जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। अगर आप पहली बार प्लान कर रहे हैं केदारनाथ धाम आने की तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड। द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट टू कम टू केदारनाथ धाम इज देहरादून। आप देहरादून एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली हेलीकॉप्टर ले सकते हैं और केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। अगर आपको हिमाचल के घाटियों का मज़ा लेना है तो आप फाटा या सिरसा तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं। अगर आप प्योरली ट्रैकिंग के रास्ते आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, इट्स टू कोल्ड। अगर आप प्योरली ट्रैकिंग के रास्ते आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सीतापुर तक। सीतापुर में दो चार अच्छी होटल्स हैं जहां आप रुक सकते हैं। वहां से आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा जहां आपको अपना बायोमेट्रिक कार्ड निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आप पैदल करेंगे तो आपको मिलेगी शेयरिंग की गाड़ी जो आपको पहुँचाएगी गौरीकुंड तक, विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स। वो 5 किलोमीटर्स ट्रैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 20 रुपये में शेयरिंग की गाड़ी लेकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड से आप या तो खच्चर कर सकते हैं, विच इज़ रिकमेंडेड अगर आपके पास सामान है, या आप पूरा रास्ता वॉक नहीं करना चाहते, बट सोच समझ के कीजिएगा, बातचीत करके कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो एक्सपीरियंस था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो गौरीकुंड से खच्चर करके या वॉकिंग करके 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप आराम आराम से हर जगह रेस्ट स्टॉप्स हैं, खाने की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट याद रखिए कि रेनकोट ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है। अगर आप वॉक कर रहे हैं या खच्चर पर भी हैं तो बेयर मिनिमम चीज़ें कैरी करिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, कपड़े बिल्कुल मत लीजिए। आप कैरी करिए थर्मल्स, आप कैरी करिए स्वेटर, आप कैरी करिए जैकेट, मंकी कैप, ग्लव्स, गर्म सॉक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज जो मौसम है केदारनाथ धाम में वो अभी जून के महीने में भी 4 या 5 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। एक बार आप केदारनाथ धाम पहुंच गए तो जहां पर आपको खच्चर छोड़ेगा वहां से 2 किलोमीटर पैदल है मंदिर। रास्ते में आपको कई सारे अकोमोडेशन के टेंट्स और कॉटेजेस दिखेंगे। आपको प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज रहने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मंदिर के एकदम पास रहना चाहते हैं जैसे कि हम लोग इस वक्त रह रहे हैं तो बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं जो रीजनेबल हैं। बाहर तिवारी रेस्टोरेंट है जहाँ आपको गर्मा गर्म खाना मिलेगा सुबह से लेकर रात तक, तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब अभिषेक करवाना चाहते हैं तो सारी पूजा की सामग्री आपको बाहर ही मिलती है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लोग ज़्यादातर यहाँ कम ही रुकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक रात रुकते हैं। हम तो खैर शूट करने आए थे तो हम 4 रातें रुके हैं। तो अपने याद रखिए, अपनी मेडिसिन ज़रूर कैरी कीजिए। वैसे यहाँ पर है मेडिकल शॉप और फ्री की मेडिसिन भी मिलती हैं, बट अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप ऑलरेडी जानते हैं तो बी केयरफुल। जहाँ आप खच्चर से उतरते हैं, जहाँ से 2 किलोमीटर वॉक है मंदिर के लिए, उस पूरे जोन में ऑक्सीजन की कमी है, सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या ऐसा कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो थिंक ट्वाइस बिफोर प्लानिंग योर ट्रिप, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी और अपवर्ड चढ़ाई, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल ही अनहेल्दी है। तो रुक रुक के चलिए, दैट्स वन एडवाइस। बट अगर आपको सीरियस कोई प्रॉब्लम है तो डू रिकंसिडर कमिंग टू केदारनाथ धाम। वरना अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, स्टैमिना आपका अच्छा है तो यहाँ आना ज़रूरी है बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जितना सुंदर गढ़वाल का ये हिमालयन रीजन है, शायद ही दुनिया में ऐसी कोई जगह होगी जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। सो या गुड लक फॉर योर ट्रिप। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from BBD Television.